हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10 के लिए क्वाड्रेटिक सर्ड द्विघात करनी अध्याय 9 परीक्षण करके देखें 9.3 का 7 नंबर का सवाल लेकर आए। 7 नंबर में देखिए जो सवाल दिया हुआ है वो आपके सामने है, स्क्रीन पे देखिए 7 नंबर सवाल। यदि x इज इक्वल टू 2+√3 और y इज इक्वल टू 2-√3 हो तो निम्नलिखित का सरलतम मान ज्ञात करिए। पहला क्या है, x माइनस 1/x, इसका मान निकालना है आपको। दूसरा y² + 1/y², इसका मान निकालना है। x³ - 1/x³, इसका भी मान निकालना है। और 4 नंबर में दिया xy + 1/xy, और b नंबर में दिया है 3x² - 5xy + 3y² का मान निकालना। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली बात है कि x - 1/x, यहाँ पे देखिए x दिया हुआ है लेकिन 1/x नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले 1/x निकालेंगे, फिर y दिया है, 1/y नहीं दिया हुआ है, 1/y निकालेंगे इसमें, उसके बाद सारा मान जो है निकाल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हम जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। गिवन x इज इक्वल टू 2+√3 ये दिया हुआ है, इसलिए 1/x आप निकाल लेंगे। 1/x जब इसको हम विलोम करते हैं तो इसको भी विलोम करेंगे, मतलब उल्टा करेंगे, तो 1/√3 होगा। इसका करनी कर देना होगा, इसका जब हर का करनी करेंगे तो इसका विपरीत चिन्ह से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/x का मान जो होगा वो निकल के आ गया। ये 1/x इज इक्वल टू ऊपर हो जाएगा 2-√3 और नीचे हो जाएगा 2² और -√3² 1/x इज इक्वल टू 2-√3 और नीचे आ गया 4-3, इसका स्क्वायर भी है और रूट भी है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा रूट। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 1/x इज इक्वल टू 2-√3 डिवाइडेड बाय 1 और 1/x बराबर यहाँ पे अगर निकालेंगे 1/x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आएगा 2-√3। तो यहाँ पे 1/x इज इक्वल टू 2-√3 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम y का भी निकाल लें एंड y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2-√3, तब y में भी 1/y अगर हम करेंगे तो 1/y इज इक्वल टू होगा 2-1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2-√3, जैसे यहाँ पे किए हैं सेम उसी तरह से करना है। अब इसका भी क्या करना पड़ेगा, करनी करना पड़ेगा, और 1/y इज इक्वल टू 1/2-√3 और इसका अगर करनी करेंगे तो 2+√3 से करना पड़ेगा, तो 2+√3 डिवाइडेड बाय 2+√3। ठीक है, अब इसमें देखिए अगर हम 1/y निकालना चाहेंगे तो 1/y बराबर होगा 2+√3 और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए हो जाएगा 2² और -√3 का भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, और 1/y इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 2+√3 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे होगा 4-3, ठीक पहले जैसा ही हो गया। 1/y इज इक्वल टू आ गया 2+√3 डिवाइडेड बाय 1 और 1/y इज इक्वल टू आ गया 2+√3,
तो ध्यान दीजिए, 1/x भी निकाल लिए, 1/y भी निकाल लिए। अब क्या होगा, ये जो मान है सबका मान निकल जाएगा। देखिए x माइनस 1/x इसका भी मान निकल जाएगा, दो नंबर का जो है इसका भी मान निकल जाएगा, तीन नंबर जो दिया हुआ है इसका भी मान निकल जाएगा, और चार नंबर में देखिए xy है, तो यहाँ पे xy की आवश्यकता पड़ेगी, तो xy भी यहाँ पे हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं। जब xy निकल जाएगा तो सारा मान हम इसमें निकाल सकते हैं। तो देखिए xy बराबर क्या निकलेगा, सो देखिए, एंड एवं xy बराबर, x का मान कितना है, तो x का मान है 2+√3, और y का मान कितना है, तो 2-√3, दोनों का मान दिया हुआ है, इसलिए xy बराबर निकल के आ गया 2 का होल स्क्वायर और -√3 का होल स्क्वायर। ये बहुत आसान है xy का मान निकालना, या xy मान आ गया 4-3, या इसलिए xy बराबर कितना आ गया 1। तो xy के जगह पे जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे हम क्या बैठाएंगे, 1 बैठा देंगे, ठीक है। तो देख लीजिए कि 1/x बराबर 2-√3, 1/y बराबर 2+√3, इसको हम बक्सा में बंद कर देते हैं ताकि जिस समय हम लोग बनाएंगे उस समय इसका इस्तेमाल किया जाएगा, और 1/x बराबर 2-√3, और इसको भी बक्सा में बंद कर दें क्योंकि इसका भी इस्तेमाल होगा, या एक जगह हम लोग इसको लिख सकते हैं। और बाकी सब क्या है, बाकी सब दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ है, ये वाला चीज़ दिया हुआ है गिवन, इसका भी इस्तेमाल होगा, ये भी दिया हुआ है, इसका भी इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये सारा मान जो है जब सवाल बनाने लगेंगे तब उसका इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए कि किसका किसका मान क्या है। अब देखिए सवाल नंबर 1 जो है इसको हम शुरू करते हैं बनाने के लिए। तो सवाल नंबर 1 यहाँ पे देखिए, x माइनस 1/x बराबर क्या होगा मान। तो अब यहाँ पे बनाते हैं एक नंबर का सवाल, x माइनस 1/x इज इक्वल टू, एक्स के जगह पे क्या है, एक्स के जगह पे है 2-√3, 2+√3 है, और माइनस, अब 1/x के जगह पे हम लोग निकाले थे 2+√3 निकाले थे। एक बार देख लेते हैं हम कि क्या क्या निकाले हैं। देखिए 1/x के जगह पे 2-√3 निकाल के रखे हैं, यहाँ पे बैठा दिए। अब जो है 2+√3 जैसे है वैसे है, -2 और --+√3, 2 कट जाएगा, √3 और √3, 2√3। तो इसलिए x माइनस 1/x जो 1 नंबर का मान निकालने के लिए कहा था वो उसका मान निकल के आ गया 2√3, और यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब इसी तरह का सवाल जो है हम लोग 2 नंबर में करेंगे, ठीक है। तो 2 नंबर में देखिए जो सवाल है वो क्या है, यहाँ पे देखिए वही सेम क्वेश्चन यहाँ आ गया है, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग 2 नंबर का सवाल बनाएंगे, ठीक है। 2 नंबर में है y² + 1/y², यहाँ पे तो था x-1/x जो कि मान निकाल दिए हैं। तो एक बार यहाँ पे पहले वाला लिख लेते हैं ताकि स्मरण रहे, x बराबर था 2+√3, 1/x बराबर था 2-√3 निकाल के रखे थे, y बराबर था 2- एकदम ठीक उल्टा था, 1/y बराबर था 2+√3, और xy बराबर था 1। तो देखिए इसका कहीं ना कहीं
हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे हम लिख के रख लिए हैं। ठीक है, अब देखते जाइए, जब दो नंबर का सवाल बनाने के लिए कहा गया आपको, तो दो नंबर में क्या है, वाई स्क्वायर प्लस वन बटे वाई स्क्वायर, इसका मान आपको निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए इसको पहले तोड़िए, वाई प्लस वन बटे वाई, इसका होल स्क्वायर करिए, अब माइनस टू इंटू वाई इंटू वन बटे वाई। अब यहाँ पे देखिए, y के जगह पे जो मान दिया हुआ है 2 माइनस रूट थ्री प्लस 2 प्लस रूट थ्री, ये बैठा देंगे, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर। यहाँ देखिए y y यूँ ही कट जा रहा है, तो माइनस यहाँ पे 2 आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी देखिए रूट थ्री और रूट थ्री प्लस माइनस कर रहा कट रहा है, तो 4 का होल स्क्वायर आएगा माइनस 2 आएगा, यानी 16 आएगा माइनस 2 आएगा। ठीक है, 14 यहाँ पे निकल करके आ रहा है 14, तो इसलिए 2 नंबर का जो आंसर आया वाई स्क्वायर प्लस 1 बटे वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया 14, और यही इसका निकल करके आ गया आंसर। क्लियर, तो दो नंबर भी हम लोग यहाँ पे बना लिए हैं। ठीक है, अब आते हैं 3 नंबर का सवाल, तो 3 नंबर में देखिए सेम सवाल आ गया है, हम लोग अभी तक 1 बना दिए हैं, 2 बना दिए हैं, अब आता है 3 नंबर। तो 3 नंबर में देखिए क्या है, 7 का हम लोग 3 नंबर बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस 1 बटे एक्स क्यूब, अब इसको अगर सूत्र में हम तोड़ें तो x माइनस 1 बटे एक्स का होल क्यूब प्लस 3x 1 बाय एक्स इंटू एक्स माइनस 1 बटे एक्स, ये कहाँ से आया देखिए, a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर a माइनस b का होल क्यूब प्लस 3ab और a माइनस b, ये जो सूत्र है इसी सूत्र से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, x माइनस 1 बटे एक्स, तो x का मान पहले से ही पता है क्या है, 2 प्लस रूट थ्री, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 2 प्लस रूट थ्री, और चूंकि 1 बाय एक्स का मान हम जो निकाले थे वो क्या था, 2 माइनस रूट थ्री ऊपर निकलवा के दिखाए थे। ठीक है, इसका क्या करेंगे, होल क्यूब कर देंगे, अब प्लस यहाँ देखिए ये एक्स एक्स कट गया, और यहाँ भी वही चीज़ आपको करना है, 2 प्लस रूट थ्री माइनस 2 माइनस रूट थ्री। ठीक है, अब आगे अगर बढ़ें तो ब्रैकेट खुलेगा, 2 प्लस रूट थ्री माइनस 2 माइनस माइनस प्लस रूट थ्री होल क्यूब, आप प्लस फिर वही आएगा 2 प्लस रूट थ्री, और अच्छा एक मिनट, यहाँ पे जो है ना 3 रह गया था, तो इसको हम 3 जो है यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 रह जाएगा। ठीक है, तो 2 प्लस रूट थ्री माइनस 2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस रूट थ्री, अब इसमें देखिए 2 कटेगा, इसमें 2 कटेगा, रूट थ्री रूट थ्री 2 रूट थ्री का होल क्यूब, अब प्लस ये 3 है और यहाँ पे देखिए 2 रूट थ्री, अब इसको बढ़ाते हैं, 2 × 4 × 8 और गुना 3 रूट थ्री, ये कहाँ से आया 3 रूट थ्री, देखिए यहाँ पे रूट थ्री इंटू रूट थ्री 3 और फिर 1 × 3 6 रूट थ्री, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 रूट थ्री और प्लस 6 रूट थ्री, अब जब जोड़ देंगे तो क्या आ जाए 30 रूट थ्री, तो इसका आंसर कितना निकल के आ गया 30 रूट थ्री निकल के आ गया। तो अब जब हम 3 नंबर का सवाल बनाते हैं तो आया, इसलिए एक्स क्यूब माइनस 1 बटे एक्स क्यूब बराबर 30 रूट थ्री।
और यही इसका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर फिर 7 ही है, लेकिन इस बार जो है हम लोग 1 कर चुके हैं, 2 भी कर चुके हैं, 3 भी कर चुके हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है चौथा। अब देखिए 4 नंबर का सवाल कितना आसानी से निकल सकता है वो आप समझिए यहाँ पे, क्योंकि देखिए एक्स वाई हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, तो एक्स वाई जो निकाल चुके हैं एक्स वाई प्लस 1 बटे एक्स वाई बराबर एक्स वाई के जगह पे 1 बाय 1 बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2। तो इसका आंसर देखिए कितना आसानी से निकल जाता है, इसलिए एक्स वाई प्लस 1 बटे xy बराबर 2 और यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चले आते हैं एक और सवाल जो कि हम यहीं पे बनाएंगे। ठीक है, बी नंबर का सवाल। अब बी नंबर का सवाल में क्या है, बी नंबर का सवाल में है, बी नंबर का सवाल में है देखिए 3x² माइनस 5xy प्लस 3y². ठीक है, इसको बनाना है। तो इसको जब बनाना है तो यहाँ देखिए क्या होगा, ये दोनों को एक साथ कर लीजिए, 3x² प्लस 3y² को एक साथ कर लीजिए, अब माइनस 5xy को इधर साइड कर दीजिए। अब 3 इसमें कॉमन ले लीजिए, x² प्लस y² माइनस 5xy इधर साइड करिए। अब यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस y का होल स्क्वायर कर देंगे और माइनस 2xy ये सूत्र के हिसाब से बैठा दिए, 3 रहेगा। x प्लस y के जगह पे अभी अभी हम लोग मान निकाल चुके हैं, ठीक है, x प्लस y, तो x प्लस y यहाँ पे है, तो x का मान जो है वही और y का मान जो है वही रख देंगे। तो x का मान है 2 प्लस रूट 3 और प्लस y का मान है 2 माइनस रूट 3। ठीक है, तो इसका मान हम लोग यहाँ पे रखेंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे और यहाँ पे देखिए 2 इंटू 1 ये तो हम लोग को पहले से ही पता है। ठीक है, x y का मान हम पहले से निकाल चुके हैं, अब माइनस 5 इंटू 1 कर देंगे। अब देखिए 3 और इसमें देखिए रूट 3 काट देंगे, यहाँ पे आएगा 4, तो 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 5। अब यहाँ पे देखिए 16 माइनस 2 करेंगे और माइनस 5। आगे बढ़ते हैं, आएगा 16 में 2 गया 14 और माइनस 5, 14 * 3 = 42 में घटा देंगे कितना, 5, 42 में जब 5 घटा देते हैं तो इसका आंसर निकल के आता है 37। ठीक है, इसलिए 3x² माइनस 3x² माइनस, क्वेश्चन क्या है, 3x² माइनस 5xy प्लस 3y² बराबर कितना निकल के आया, 37 और यही आंसर। क्लियर, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, सवाल नंबर 8। अब यहाँ देखिए सवाल नंबर 8 में क्या कहा कि x बराबर अगर दिया हुआ है √7 + √3 / √7 - √3 और xy = 1 दिया हुआ है तो इसका वैल्यू निकालना। ठीक है, तो देखते हैं इसको हम किस तरह से निकालें। x बराबर दिया हुआ है √7 + √3 / √7 - √3 यही दिया हुआ है, तथा एक्स वाई बराबर दिया हुआ है 1, इसलिए हमको वाई चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वाई बराबर 1 बटे एक्स होगा। ठीक है, तो
अब x का मान हमको दिया हुआ है, तो x का मान हम यहाँ पे रख सकते हैं 1 √7 + √3 / √7 - √3 इज इक्वल टू, इसको अगर हम उलट देते हैं तो 1/1 × √7 हो जाएगा √7 - √3 / √7 + √3 ये आ जाएगा। तो y का मान यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, तो y बराबर कितना आ गया है, y बराबर आ गया है √7 - √3 / √7 + √3। अब हम x प्लस वाई निकाल सकते हैं क्योंकि वहाँ पे x प्लस वाई लगेगा और एक्स वाई लगेगा, तो x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई का मान अगर निकालना चाहेंगे तो यहाँ देखिए x बराबर जो मान दिया हुआ है वो बैठाएंगे x के जगह पे, तो बैठाते हैं यहाँ पे √7 + √3 / √7 - √3 और यहाँ पर क्या करेंगे प्लस, अब y बराबर यहीं पे मान मिला हुआ है −√3 / √7 + √3, ठीक है ये y का मान है और x का मान जो दिया हुआ है। अब इस दोनों का मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई का मान कितना आएगा, तो यहाँ पे अगर भिन्न का जोड़ करते हैं तो √7 / √3 और इधर क्या हो जाएगा √7 + √3 जो है, क्योंकि ये अगर हम इसको इससे काटेंगे ठीक है तो निकल जाएगा √2। अब प्लस अभी इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है, इसमें ये चुकी है √7 - √3 और √7 + √3 ठीक है, तो इसमें से जब निकलेगा तो माइनस वाला बचा हुआ रह जाएगा, तो इसलिए इसको हम भिन्न का जोड़ करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √7 - √3 इसका क्या कर देंगे √2 कर देंगे। अब एक सूत्र है 2a² + b², तो उस सूत्र में अगर हम बैठाएं तो 2√7 / √2 और प्लस b² यानी √3 / 2 हो जाएगा, ये एक सूत्र है उसमें बैठ गया ठीक है। ये कौन सा सूत्र में बैठा है, तो देखिए एक सूत्र दे यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि 2a² + b² का सूत्र होता है बराबर a + b² और प्लस a - b² तो ये जो सूत्र है इस सूत्र के आधार पर हम लोग क्या करेंगे इसको इस रूप में बैठा देंगे। अब क्या है यहाँ पर जो है वही लिखेंगे, तो 7 - 3, अब यहाँ पर क्या है 2 × 7 + 3 इसको ब्रैकेट में रखेंगे अभी और नीचे आ जाएगा 4 बराबर, अगर करते हैं तो 2 × 10 / 4 2 से काट देंगे और यहाँ 2 से इसको भी काट देंगे तो निकल के आया 5। इसका मतलब क्या है कि x प्लस वाई के जगह पे y के जगह पे 5 हम रख सकते हैं, तथा अब x y भी आपको लग सकता है, तो x y बराबर अगर निकालेंगे तो x का मान क्या है √7 + √3 / √7 - √3, अब मल्टीप्लाई करेंगे √7 - √3 / √7 + √3, तो अब देखिए ठीक अपोजिट है इसलिए कट जाएगा ये और एक्स वाई का मान निकल के आ गया 1। अब आप देखिए कि x प्लस वाई के जगह पे हमको 5 मिला और x माइनस वाई के जगह पे हमको 1 निकल गया है और x प्लस वाई बराबर 5 निकल गया ठीक है। ये दोनों का
यहाँ पर आवश्यकता होगी, जो सवाल हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, इस सवाल में ये दोनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, सवाल क्या है वो हम देख लेते हैं। देखिए सवाल में है कि दिखाएं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 12/11। हमको लाना कितना यहाँ पे 12/11 लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर दिया हुआ था, ठीक है, और एक्स वाई बराबर 1 दिया हुआ था। अच्छा, एक्स वाई बराबर 1 यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है, इसलिए अगर हम यहाँ नहीं भी निकालते तब भी चल जाता, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे क्या किए हैं, निकाल दिए हैं इसको, ये निकालने की आवश्यकता भी नहीं थी। ठीक है, x प्लस वाई निकालने से ही काम हो जाएगा, एक्स वाई बराबर 1 ऊपर में भी दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो सवाल है, जो प्रूव करना है, उस पर हम आते हैं। ठीक है, वो सवाल क्या है, वो है हम LHS से चलते हैं। LHS में दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसका मान निकालने के लिए कहा गया। ठीक, तो इसके लिए क्या करना है आपको, इतना बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक जगह कर लीजिए, प्लस एक्स वाई को साइड में कर दीजिए, उसी तरह से यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक साथ कर दीजिए और माइनस एक्स वाई को इधर साइड में भेज दीजिए। यहाँ तक ठीक है ना। अब देखिए इसको तोड़िए, आप एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कर लीजिए और माइनस टू एक्स वाई, ये तो हम लोग सूत्र जानते ही हैं इसका, आप प्लस एक्स वाई यहाँ पर कीजिए और डिवाइडेड बाय नीचे फिर वही बात कर दीजिए, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस टू एक्स वाई और माइनस हो जाएगा एक्स वाई। यहाँ तक ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, मान याद रखेंगे कि क्या क्या निकाल के हम लोग रखे हैं। चाहें तो आप यहीं पे मान बैठा सकते हैं, नहीं तो इसका एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए एक स्टेप और आगे इसको बढ़ा देते हैं, तो माइनस थ्री एक्स वाई हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस थ्री एक्स वाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ थ्री एक्स वाई नहीं होगा, देखिए यहाँ पे टू एक्स वाई में एक्स वाई घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ओनली एक्स वाई आ जाएगा, लेकिन माइनस में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो आप बताइए कि एक्स प्लस वाई हम लोग कितना निकाल के रखे थे, फाइव निकाल के रखे थे, एक्स वाई कितना है, वन है, नीचे भी कितना हो जाएगा, फाइव, फाइव का होल स्क्वायर कर देंगे या माइनस थ्री इंटू वन कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 25 माइनस 1 और डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो जाएगा, 25 माइनस 3। अब आगे बढ़िए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 और नीचे अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22। अब इसको काट सकते हैं क्या, अगर हम इसको काटेंगे तो आ जाएगा ये 12 और इसको काटेंगे तो आ जाएगा 11। अब बराबर आ जाएगा 12/11। क्या यही था सिद्ध करना, यही था ना। देख लीजिए यहाँ पे सिद्ध क्या करना था, देखिए यहाँ पे सिद्ध करना था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 12/11। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर आया है वो आपका कितना आ गया, 12/11, और यही क्या है, RHS, इसको हम लिखेंगे RHS। और इसलिए प्रूव क्या हुआ, LHS जितना है वही क्या हो गया, RHS, और यही हो गया प्रूव। क्लियर, तो आज का वीडियो यहीं शेष होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।